सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई आप किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो पाइथन में एक्सपोनेंट कैलकुलेट करने के मल्टीपल वेज हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और मैं आज आपको ये समझाऊंगा कि आप किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट कैसे निकाल सकते हो। तो उसके लिए क्या, मुझे यूजर से कोई नंबर इनपुट कराना है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, नम वन, या फिर आप कुछ भी कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखा नम वन इंट इंट फ्लोट, जो भी आप इनपुट कराना चाहो यूजर से आप वहां पर मैंशन कर सकते हो। तो मैंने क्या लिखा, इंट इनपुट एंटर एनी नंबर। अब मैंने क्या बोला कि भाई यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा मैं उसका एक्सपोनेंट कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, बट कितना कैलकुलेट करना है, मतलब 2 to the power 3, 2 to the power 5। तो मैं क्या करूंगा, यूजर से मैंने नंबर तो एंटर करा लिया, बट मैं यूजर से उसका एक्सपोनेंट भी एंटर कराऊंगा, वो भी मैं इंटीजर फॉर्मेट में कराऊंगा। इंट इनपुट एंटर दी एक्सपोनेंट वैल्यू, एंटर दी एक्सपोनेंट वैल्यू। तो देखो अब यूजर के हाथ में पूरा कमांड है, वो नंबर भी एंटर कर देगा और वो एक्सपोनेंट भी एंटर कर देगा, और मैं इन दोनों को एक रिजल्ट वेरिएबल में सेव करा लूंगा। कैसे, सो किसकी हेल्प से, द हेल्प ऑफ वी कैलकुलेट एक्सपोनेंट विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर। इसे कहते हैं हम पावर ऑपरेटर या एक्सपोनेंट ऑपरेटर इन पाइथन। तो इस ऑपरेटर की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट कैलकुलेट कर देंगे किसी भी नंबर का। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, रिजल्ट इक्वल टू नम वन टू द पावर नम, और इससे मेरा रिजल्ट, मेरे जो रिजल्ट वेरिएबल है इसमें मेरा जो आउटपुट है वो सेव हो जाएगा। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट नम वन, एक मैसेज पास कर देता हूं टू द पावर नम वन टू द पावर नम टू। तो नम वन हमारा एक वेरिएबल था, वो हम यहां से फेच करा लेते हैं। अब मैंने सिंपल से एक मैसेज पास करा, नम वन टू द पावर नम टू, और मेरा जो रिजल्ट है वो किसमें सेव हुआ है, आपका जो आउटपुट है वो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हुआ है। तो दिस इज माय फाइनल स्टेटमेंट जो कि मैंने प्रिंट में लिखी है, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ। ओके, देयर इज एन सिंटैक्स एरर, तो यहाँ पर बस एक कॉमा लगेगा। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ, तो देखो मुझसे क्या बोल रहा है, एंटर एनी नंबर। सो मैंने एंटर करा 25। अब मैं एक्सपोनेंट वैल्यू डालना चाहता हूँ कि भाई कितनी, मैं कितनी पावर पे देखना चाहता हूँ उसे। तो मैंने बोला 25 to the power 2। तो देखो जो इसका स्क्वायर था मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से आप कितनी भी वैल्यू एंटर कर सकते हो, लाइक मैंने 25 डाला और यहाँ पे मैंने 25 to the power 25, तो दिस इज माय एक्सपोनेंट वैल्यू। कि अगर 25 की पावर 25 होगा तो आपका ये एक वैल्यू आएगा आपके आउटपुट में। सो गाइस, ये तो सिंपल सा लॉजिक था कि भाई विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट क्या होगा। अब हम बात करते हैं कि यार ये तो सिंपल आपने ऑपरेटर का यूज करा, बट पाइथन में हमारे पास एक फंक्शन होता है मैथ लाइब्रेरी में जिसका नाम होता है POW, पावर फंक्शन। तो हम उसके हेल्प से भी देख लेते हैं कि भाई उसके हेल्प से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इतना कोड कॉमेंट कर दूंगा। ओके, और यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, पावर ऑपरेटर। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूँ, मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट वन विच इज इक्वल टू मैं पावर ऑफ नम वन कॉमा नम टू। अब यहां पे जो नम वन है, नम वन इज नंबर, नम वन जो पहला पैरामीटर है वो एक नंबर की तरह ट्रीट होगा, और जो आपका नम टू है इस एक्ट एज एक्सपोनेंट। ओके, तो जो मैंने दो पैरामीटर पास करे, नम वन और नम टू, तो नम वन आपका एक पावर ऑपरेटर, सॉरी नंबर की तरह ट्रीट होगा, और नम टू आपका एक्सपोनेंट की तरह ट्रीट होगा। सो दिस इज योर फंक्शन। फ्रेंड्स, इसमें मुझे कोई भी ऑपरेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, मेरा फंक्शन अपने आप से ही कैलकुलेट कर देगा। तो आप बस मुझे क्या करना है, सिर्फ रिजल्ट को प्रिंट कराना है। तो मैं इस वाले स्टेटमेंट को ही कॉपी कर लेता हूँ और इसी की हेल्प से प्रिंट करा दूंगा। बस रिजल्ट की जगह मुझे यहाँ पर क्या पास करना है, रिजल्ट वन पास करना है। ये देखते हैं कि आउटपुट में क्या आएगा। मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया, यहाँ पर भी सेम, मैंने यहाँ पर सपोज करो 16 डाला। ओके, फर्स्ट वैल्यू जो आपकी नंबर थी नम वन में सेव होगी, और जो आपका एक्सपोनेंट वैल्यू होगी वो मैंने 2 कर दिया। तो देखो दिस इज योर आउटपुट।
तो आप दोनों का यूज कर सकते हो, एक्सपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए आप ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो और आप इजिली फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सपोनेंशन ऑफ योर नंबर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।